आप सभी को सावन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, 14 जुलाई से सावन का पावन महीना शुरू होने वाला है। सावन का महीना भगवान शिव शंकर को अति प्रिय है और सावन का महीना भगवान शिव शंकर को ही समर्पित होता है। सावन के महीने में भगवान शिव शंकर की पूजा आराधना करने से सभी प्रकार के मनोकामनाएं पूर्ण होती है। फ्रेंड्स, सावन के महीने में अगर हो सके तो आप रोजाना मंदिर में जाकर भगवान शिव शंकर को जल चढ़ाएं और भगवान शिव की पूजा करें। लेकिन अगर आप रोजाना मंदिर नहीं जा सकते हैं तो घर पर ही आप भगवान शिव शंकर का पूजन जरूर करें। शिवलिंग के पूजन का विशेष महत्व होता है सावन के महीने में। तो देखिए, सावन के महीने में रोजाना पूजा करने के लिए हमें बेसिक सा ही सामान लेना होता है। क्या क्या सामान हमें लेना है? एक, हमें पूजा के लिए जल लेना है, जल का लोटा हम ले लेंगे। कच्चा दूध हमें लेना है, घी का दिया हम लेंगे, चावल ले लेंगे, उसके साथ ही धूप बत्ती लेंगे और आरती करने के लिए हम कपूर ले लेंगे। आप कपूर से भी आरती कर सकते हैं या जो दिया आप जलाएंगे उससे भी कर सकते हैं। साथ ही तिलक करने के लिए यहाँ पर मैंने चंदन लिया है। वस्त्र स्वरूप समर्पित करने के लिए यहाँ पर मैंने कलावा ले लिया है। और देखिये, सावन के महीने में शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाना बहुत शुभ होता है, इससे अति शीघ्र मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बेलपत्र भगवान शिव शंकर को अति प्रिय होता है, तो सावन के महीने में आप बेलपत्र की व्यवस्था जरूर कर लें। इसके साथ ही फूल ले लें, जो भी फूल आपको मिल जाए आप वो फूल ले सकते हैं। भोग के लिए आप कोई भी ऋतु फल ले लें, जो भी फल आपके पास हो आप वो फल ले सकते हैं, मिश्री ले सकते हैं, कोई भी मिठाई ले सकते हैं, जो भी अवेलेबल हो आप उस चीज का भोग लगा सकते हैं। तो देखिए, सावन के महीने में जब हम रोजाना शिवलिंग की पूजा करते हैं तो हमें बहुत ज्यादा सामग्री की जरूरत नहीं होती है। बेलपत्र आपको जरूर व्यवस्था करनी पड़ेगी बेलपत्र की, बाकी तो जो सामान होता है वो जो हमारे घर में रोजाना पूजा में इस्तेमाल होता है वही सामान होता है। तो देखिए, और देखिए, सावन के महीने में जब आप शिवलिंग की पूजा करें तो अपने मंदिर में ही आप ये पूजा कर सकते हैं, क्योंकि रोजाना चौकी लगाना संभव नहीं हो पाता है सबके लिए। तो आप चाहें तो चौकी लगा सकते हैं, नहीं तो आप अपने मंदिर में ही ये पूजा कर सकते हैं। तो देखिए, मैं मंदिर के सामने ही ये पूजा कर लूंगी। पूजा करने के लिए मैं यहाँ पर एक पटड़ा ले लूंगी, आप चाहें तो आप पटड़ा ले लीजिए, नहीं तो आप सीधे सफेद कपड़ा बिछाकर भी पूजा कर सकते हैं। मैं यहाँ पर पटड़ा ले लूंगी, उसके ऊपर मैं सफेद रंग का आसन बिछा दूंगी। भगवान शिव शंकर की पूजा में जहां तक हो सके सफेद रंग की चीजों का इस्तेमाल किया जाता है, सफेद रंग भगवान शिव शंकर को अति प्रिय होता है। तो हम सफेद रंग का आसन बिछा लेंगे और उसके बाद देखिए, हम कोई भी पात्र ले लेंगे, कोई भी थाली प्लेट कोई भी आप ले लीजिए, शुद्ध पात्र हम लेंगे, उसमें हम बेलपत्र रख लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, मैंने बेलपत्र ले लिया है। बेलपत्र के पीछे जो ये डंडी होती है इसको हम तोड़ देंगे, तो इस तरह से हम बेलपत्र रख लेंगे। अब हम शिवलिंग स्थापित करेंगे। तो अगर आपके घर में शिवलिंग है तो आप शिवलिंग ले लीजिए, नहीं तो आप मिट्टी के शिवलिंग भी बना सकते हैं। आप देखिए, सबसे पहले हमें जल चढ़ाना है, तो सबसे पहले हम जल चढ़ाएंगे और जो आप जल चढ़ाएं ना, इसमें गंगा जल जरूर मिश्रित कर ले, क्योंकि भगवान शिव शंकर के पूजन में गंगा जल जरूर चढ़ाया जाता है। इसके बाद हम दूध चढ़ाएंगे, तो हमें कच्चा दूध लेना है और दूध को हमें एक धार में चढ़ाना है। तो यहां पर हम दूध चढ़ाएंगे, उसके बाद हम फिर से जल चढ़ाएंगे। तो इस तरह से हमें भोले शंकर का अभिषेक करना है। पहले हमें जल चढ़ाना है, फिर दूध चढ़ाना है, उसके बाद फिर हमें जल चढ़ाना है। इसके बाद हम शिवलिंग का अंग पोषण करेंगे और जो ये जल है ये आप पौधों में डाल सकते हैं, तुलसी के पौधे में नहीं डालना है, बाकी किसी भी पौधे में आप इस जल को डाल सकते हैं। उसके बाद देखिए, इसी थाली को हम दोबारा ले आए हैं, बेलपत्र आप वही ले सकते हैं या दूसरा भी ले सकते हैं। उसके ऊपर हम शिवलिंग को स्थापित कर देंगे और अब हम पूजन शुरू करेंगे। तो सबसे पहले तो हम वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करेंगे। देखिए, रोजाना जनेऊ समर्पित अगर आप नहीं भी कर सकते हैं तो कलावा आप समर्पित कर सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से हम वस्त्र स्वरूप भोलेनाथ को कलावा समर्पित करेंगे। उसके बाद हम तिलक करेंगे, तो यहाँ पर हम चंदन से तिलक करेंगे। भगवान शिव शंकर को हल्दी रोली मेहंदी नहीं चढ़ाई जाती है, चंदन और भस्म चढ़ाया जाता है। तो चंदन से तिलक करेंगे, उसके बाद देसी घी का दिया जलाएंगे। तो यहाँ पर मैंने देसी घी का दिया जला दिया है, दिए को भी हम तिलक करेंगे और इसके बाद हम फूल समर्पित करेंगे। तो देखिए, भगवान शिव शंकर को सफेद रंग के फूल अगर मिले तो सफेद रंग के फूल समर्पित करें, साथ ही जो भी फूल आपको मिल जाते हैं आप वो फूल समर्पित कर दें। सावन में आपको बहुत आसानी से फूल मिल जाएंगे, आप आंकड़े के यानी कि मदार के फूल भी समर्पित कर सकते हैं, धतूरे के फूल समर्पित कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, बेलपत्र हमें जरूर समर्पित करना है। तो बेलपत्र की जो चिकनी साइड होती है ना, ये भगवान को टच कराते हुए हमें समर्पित करना है। पीछे की जो डंडी है वो तोड़ दें, तो जो ये एक्स्ट्रा डंडी होती है इसको तोड़ देते हैं। इसके बाद देखिए, इस तरह से हमें बेलपत्र समर्पित करना होता है।
आप एक बार ही बेलपत्र ले आए, बेलपत्र बासी नहीं होता है, आप हफ्ते 10 दिन के लिए बेलपत्र एक बार ले आए, फ्रिज में रख दे और फिर रोजाना उन्हें समर्पित कर सकते हैं। इसके बाद देखिए हम अक्षत समर्पित करेंगे और फिर भोग के लिए जो भी फल आपके पास है, कोई भी फल जो घर में अवेलेबल है, मिठाई या मिश्री, चीनी, किसी भी चीज का आप भोग समर्पित कर सकते हैं। उसके बाद देखिए हम धूप दिखाएंगे, दीप दिखाएंगे और फिर हम भगवान शिव शंकर की आरती करेंगे। जब भी आप भगवान शिव शंकर की पूजा करें तो ओम नमः शिवाय का जाप अपने मन मन में करते रहे। इसके बाद देखिए हमने कपूर लिया है, हम कपूर से आरती करेंगे, ओम जय शिव ओंकारा की हम यहाँ पर आरती करेंगे। आपको भगवान शिव शंकर की जो भी आरती आती हो आप वो आरती गा सकते हैं। आरती करने के बाद हाथ जोड़कर भगवान शिव शंकर से पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे। तो इस तरह से हमारी पूजा पूर्ण हो जाएगी। फ्रेंड्स, सावन के महीने में अगर आप सावन के व्रत करते हैं तो भी आप रोजाना इसी तरह से शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं। और देखिए जो हमने भोग चढ़ाया है, भोग में जो फल आपने चढ़ाए हैं, जो मिठाई चढ़ाई है, उसको बाद में आप सभी में प्रसाद स्वरूप बांट सकते हैं, आप स्वयं भी उस प्रसाद को ग्रहण कर सकते हैं। तो इस तरह से हम सावन में रोजाना शिवलिंग की पूजा करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास शिवलिंग नहीं है तो आप रोजाना मिट्टी से शिवलिंग बना सकते हैं, बाद में उसका विसर्जन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, सावन के महीने में शिवलिंग पर जल चढ़ाने से और बेलपत्र चढ़ाकर उनका पूजन करने से अनंत गुना फलों की प्राप्ति होती है। तो सावन के महीने में आप शिवलिंग का पूजन जरूर करें। फ्रेंड्स, भगवान शिव शंकर बहुत भोले होते हैं, थोड़ी सी पूजा और थोड़े से प्रयास से ही प्रसन्न होकर मनोवांछित फल देते हैं। तो अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए आप सावन के महीने में शिवलिंग की पूजा जरूर करें। और अगर आपको शिवलिंग की ये सिंपल साधारण सी पूजा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, राधे राधे।